कि कुल मिला के यह है कि योगी के एक माहौल बना हुआ है सर। और सबसे बड़ी चीज है, अब मैं आपको बात बताऊं, हिंदुत्व के ऊपर उठ सबसे बड़ी चीज है। आदमी को यह लगता है कि राम मंदिर वगैरह जैसा है ना, तो हिंदुत्व मजबूत हो रहा है। सूरज सिंह जो है, अगर ये बीजेपी से होते तो ये जीत जाती, लेकिन कुल मिला के यह है कि इंजन अखिलेश का जुड़ा हुआ है, उसमें डब्बा तो जहाँ इंजन जाएगा तहाँ ही जाएगा ना। तो कुल मिला के ये है कि जो बाबा योगी नाथ है उनको देख के और पड़ेगा कैंडिडेट कोई नहीं। सीधी सी बात है, नहीं योगी हमको बहुत पसंद है, हमारे पिताजी है ना, इसलिए पसंद है। कौन पिताजी आप? हमारे योगी मोदी दोनों पिताजी, उन्हीं देव उन्हीं दिखी है। और इन्हें दोनों जन का तो बिल्कुल ला दिया भाई, आए जाए गली में तो मार के डंडा गिराई दी। हाल ही मुख्यमंत्री जी आए थे कांतन स्कूल के, कांतन स्कूल में आए थे। आप ऐसा काम करिए, आप जहाँ मुख्यमंत्री जी जाते हैं वहीं विकास होता है। आप यहाँ पे अभी आ जाएं, तो ये देखिए इधर कैमरा दिखाई भैया, उधर दिखाई कचरा हो रहा है ना, उधर देखिए। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त मैं खड़ा हूँ गोंडा शहर के सिविल लाइन काशीराम कॉलोनी में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वही काशीराम कॉलोनी है जिसे बसपा सरकार द्वारा बनवाया गया था। आज हम यहाँ के लोगों से जानेंगे 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर उनकी राय, कि इस बार वो किस मुद्दे पर वो वोट करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से उनकी राय। अरे नाली नर्दा बहात है, सब लेटरिंग बहात है, कोई सफाई करने कोई ना है, सब परेशान है, और का कहे। तो किसको वोट देंगे अब, किसको कहो, नाम फोटा है जिका सफाई दिया है जिका हम दिया भाई, और का। तो काम कौन बेहतर किया है, योगी जी? अरे वो की जो उनकी ने तो उन्हों सब दिखाई मान है, जो कोई जो उन करी तो उन्हों दिखाई मान है, जिके किस्मत में हुई थे पाई। उन्हों चाहे जहां हम दिन जाई बकी जाई वही पे हैं, यही हुई कि उन्हें दिन चाहे जेका दिन जाए। अच्छा, मतलब आप अगर योगी को भी देंगे तो लोग कहेंगे अखिलेश को दिया? हाँ ये बिल्कुल बराबर हमारे लोग का है, कोनो माँ वो ना है। तो किसको देंगे? अगली बारी भाजपा दिन का कोनो उभा के यहाँ दे नहीं तो का कह जाए। भाजपा को दिया था तो कैसा रहा, आपने अगर उनको जिताया तो कार्यकाल कैसा था, खुश है नहीं खुश? खुश है, हमारे लोग का खेती बर्बाद हो गए सब पूरा ध्वस्त है, और कहीं रात दिन रखाओ रखाओ हमारे लोग का कुल कर्म रहा था। तो अखिलेश के तरफ तो हम लोग है ही, अब अखिलेश कहे ना कि अखिलेश में हम लोग के वहाँ रोड जितना सही बन गए रही, पंडित सिंह बनवाए लेना उतना अभी कुछ वक्त दोबारा निर्माण नहीं हुआ। यहाँ गोंडा से सूरज सिंह या प्रतीक भूषण? सूरज सूरज है, चाहे जहाँ बुलाए लो तो दौरा चले आवट है। ये 5 साल बीत गए कोनो अलंग भूमि के यहाँ क्षेत्र है हमार प्रतीक। अच्छा, तो अगर सूरज जीत गए तो क्या फायदा मिलेगा आप लोग को? फायदा क्या मिले, ये तो है कि हाँ अपने क्षेत्र के हुए, आज चाहे जहाँ बुलाए लो तो पहुंचे। तो प्रतीक अपने क्षेत्र के नहीं है? हाँ, तो बाकी हुए 5 साल पूरा बिताए दिन ही ना कह सकते कि हाँ गए है। क्या लगता है भाई कौन आने वाला है? योगी जी। क्यों लगता है? उनकी काम के तरीके से लगता है। क्या काम के तरीके से, क्या काम अच्छा लगा? उन्नत किए गांव में। क्या उन्नति के तौर पे क्या दिखा आपको? गांव की सड़कें बन गई, बिजली भी आ गई। सड़कें बिजली और राशन भी सबको मिल रहा है। राशन भी सबको मिल रहा है, चलिए बढ़िया। गोंडा से कौन लग रहा है, कौन आने? गोंडा से प्रतीक भूषण आएंगे। मुख्यमंत्री कौन लग रहा है इस बार बनने वाला है? योगी बाबा। योगी बाबा फिर दोबारा फिर? अखिलेश को चांस नहीं मिलना है फिर? नहीं मिलना है। क्यों? क्योंकि अखिलेश की पार्टी अच्छी नहीं है। क्या बुराई है पार्टी में, क्या मतलब क्यों नहीं अच्छी है? उनके पार्टी में लोग अच्छे नहीं है। क्या लोग, कैसे लोग अच्छे? उनको बोलने का तरीका ही नहीं मालूम है। किसको? अखिलेश के पार्टी में लोगों को। क्या क्या जैसे क्या? अरे गाली वाली देते रहते हैं। ये वही बाबा आई है योगी बाबा। पक्का? पक्का। क्यों क्यों लगता है बाबा? अरे सबका साथ सबका विकास, सबसे बड़ी बात यही है, इसके आगे हम कुछ नहीं कहना चाहते। साथ और विकास भी हो गया? अरे सब पूरा विकास ही विकास है कुछ तरह। क्या दिखा विकास में, क्या दिखा? अरे सबका लेटरिंग बन गया, शौचालय मिल गया, सबको गल्ला पानी मिल रहा है, सब लोग उनका जो कुछ मजूर लेबर रहे उन लोगों के खाते में कुछ पैसा वैसा आए गवा। नहीं नहीं आजकल तो वही चल रहा है कि साइकिल का जोर चल रहा है भाई। हाँ क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? कि जो पहले बच्चे पढ़ते थे उनको बहुत ज्यादा सुविधा मिलता था, पढ़ाई लिखाई पर सही जाता था, हर कारोबार के ऊपर ठीक रहता था, गरीब अमीर सभी कमाते थे उससे। अब तो गरीब मर रहा है, परेशान है। क्या लग रहा है भाई कौन आएगा इस बार? यहाँ कोई जाएगा नहीं तो आएगा कौन? बाबा है, बाबा ही रहेंगे। अच्छा, मतलब जो है वही रहेंगे? किसी को लोग तो कह रहे हैं अखिलेश की लहर चल रही है। लहर किसी की नहीं होती है। लहर किसकी होती है? लहर और कुछ नहीं है, यहाँ जो लहर है बाबा की लहर चल रही है। और फिर से हम लोग
पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी हमारे फिर नेतृत्व करेंगे। अखिलेश तो कह रहे हैं तो हम 400 सीट लेके आएंगे। फिर आप बात कर रहे हैं वो आप उन जो हमारे देश के क्रांतिकारियों को देश की आजादी में जिन्ना जैसे लोगों का अधिकार बताते हो, जो जिनके पिता जो कहते हैं कि हमारे यहाँ के युवा बहक जाते हैं, महिलाओं की छेड़खानी पर कोई अपना उचित जवाब नहीं दे पाते हैं, जो हमारे कारसेवकों पर गोली चलवाते हैं, जो आराम के अस्तित्व पर लांछन लगाते हैं, जो राम सेतु पर लांछन लगाते हैं, ऐसे लोगों को इस देश चुनने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पारिवारिक और राजनीतिक षड्यंत्र के लोग हैं, और फिर से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम युवा उनको एक साथ वोट करेंगे, मतदान करेंगे और फिर से पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने वाले हैं। हमारे जिले में तो 7 की 7 विधानसभा सीटों पर हम लोग कमल का फूल खिलाकर 7 कमल का फूल यहां से पूर्ण बहुमत सरकार बनाने में हम लोग देने वाले हैं। सर कुल मिला के योगी नाथ ही जीतेंगे। अच्छा हाँ, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? सर उन्होंने काम इतना किया है। क्या काम? अब काम देख लो, सड़क से लेकर आप सड़क भी देख रहे हो, उसके बाद में बहुत सी सड़क तो अखिलेश की सरकार में बनी थी। नहीं, अखिलेश की सरकार में कैसे बनी थी सर? पंडित सिंह जब थे। नहीं, पंडित सिंह थे वो सब ठीक है, लेकिन योगी नाथ कुछ ऐसा काम किया है कि वैसा काम कोई कर नहीं सकता है। सर कौन सा ऐसा काम करिए कोई नहीं कर सकता है? देखिए, शिक्षा से लेकर सर हर चीज में। कहाँ शिक्षा की बात करें, क्या मिला गुंडों को अभी तक? क्यों नहीं सर, स्कूल में जाइए, देखिए आप पढ़ाई कितनी अच्छी तरीके से हो रही है। उसके बाद मतलब अभी तो अगर हम बात करें कोरोना की वजह से पढ़ाई हो ही नहीं रही है, वो अलग चीज है। तो शिक्षा, हाँ, सबसे बड़ी चीज ये है सर कि मोदी को देख के चल रही है हर चीज। पब्लिक अगर वोट करेगी तो मोदी को देख के वोट करेगी, मोदी और योगी दोनों को। जैसे यहाँ पे सूरज सिंह की बात हो रही है, चेहरा तो आप देखते हैं लेकिन चेहरे के पीछे विकास होता है, तो ऐसा कौन सा विकास लोगों को मिला जिसकी वजह से? राशन पानी है, ठीक है, उसके बाद राशन पानी विकास का हिस्सा नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। तो सर मुझे पता है ना, मतलब सड़क देखिए, शिक्षा देखिए, सरकारी स्कूल अस्पताल में जाके देखिए, जो दवाई पानी है कितनी बढ़िया से हो रही है। अस्पताल देखिए, जो था वो था, उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुई वो अलग चीज है, लेकिन जिस तरह बात हो रही है मेडिकल कॉलेज की या किसी एक इंजीनियरिंग कॉलेज की, अगर है ना, शिक्षा स्वास्थ्य में जब चीजें नहीं होती है शहर में, वो किसी सरकार द्वारा लाई जाती है, वो विकास कहलाता है। इस पर बात बताइए। नहीं सर, मैं जो देख रहा हूँ वही चीज कह रहा हूँ कि कुल मिला के यह है कि योगी के एक माहौल बना हुआ है सर। और सबसे बड़ी चीज है, अब मैं आपको बात बताऊँ, हिंदुत्व के ऊपर वोट पड़ेगा। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है, आदमी को यह लगता है कि राम मंदिर वगैरह जैसा है ना, तो हिंदुत्व मजबूत हो रहा है। और पार्टियां हैं सर, उसमें ऐसा चीज लगता है कि जितनी देश विरोधी गतिविधियां हैं ना, विपक्ष पार्टी में होती है। और दूसरी बात, जो ये गठबंधन करते हैं ना कि बीजेपी के खिलाफ, सारी पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, तो पब्लिक अब उल्लू नहीं है, वो समझ रही है कि मतलब एक सच्ची सरकार को ये लोग सोचते हैं कि ना आए, तो इसलिए पब्लिक योगी आदित्यनाथ को। ठीक है, ये बताइए, आपने बात की कि असल में वोट लोग हिंदुत्व पे करेंगे। सबसे बड़ी चीज यही है, सबसे बड़ी चीज है हिंदुत्व के लेकर वोट होगा सर। क्या आपने हिंदुत्व की बात की थी, तो क्यों ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ ही हिंदू है? अखिलेश भी तो हिंदू है। नहीं, हिंदू है सर, लेकिन उनकी कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर आप देखोगे तो उससे पता चलता है कि ये सब हट जाते हैं उस चीज से। और बात हिंदुत्व की नहीं करनी चाहिए, देश भावना की बात करना चाहिए। हम देश भावना की बात करके गोंडा की राजनीति की बात करते हैं, कौन लग रहा है? मुझे लग रहा है गोंडा से जो कुल मिला के योगी और मोदी को देख के वोट पड़ना है, कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, सूरज सिंह जो है, अगर ये बीजेपी से होते तो ये जीत जाती, लेकिन कुल मिला के ये है कि इंजन अखिलेश का जुड़ा हुआ है, उसमें डब्बा तो जहां इंजन जाएगा तहां ही जाएगा ना, तो कुल मिला के ये है कि जो बाबा योगी नाथ है उनको देख के वोट पड़ेगा, कैंडिडेट कोई भी। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, जो समझदार हैं ऐसे भी हमारे यहाँ मुस्लिम हुए हैं, APJ अब्दुल कलाम, अशफाक उल्ला खां, दुनिया भर के ऐसे थे जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दे दी, उनको देश से प्रेम है सर, और उनसे हमें भी प्रेम है, हम लोग भाई भाई हैं। लेकिन कुल मिला के हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तानी बन के रहो, आप पाकिस्तान की भाषा मत गाओ यहाँ पे, और ये चीज देख के पब्लिक वोट करेगी। जो मैंने देखा है सर यहाँ पे, वही चीज मैं बोल रहा हूँ। सत्ता में काम कर दी मुहारे मिल जाए, काम चल जाएगा। काम भी होता रहा उनका। अच्छा, क्या काम होता था? उसी पर काम करते थे। काम करते थे, प्रतीक काम किए कि नहीं किए? प्रतीक से मुलाकात रहे होते, जो काम होते थे। मुलाकात नहीं हो रही, मतलब कैसे मुलाकात? आप कह रहे हैं जब मुहारे जाओ तो मिल जाते थे, आप मुहारे गए उनके? हम तो गए, मिले योगी। अच्छा चलो चलो ठीक है, योगी अब अखिलेश, अखिलेश क्या है? अखिलेश का काम अच्छा है। योगी जी काम नहीं अच्छा है? नहीं। राशन कई बार मिलता है महीने? अब तो राशन मिला था, जब चुनाव हुआ तो राशन दिए थे। चुनाव से पहले कुछ राशन नहीं देते थे। अरे लोग तो कह रहे हैं राशन दे रहे हैं बढ़िया मुफ्त का। और क्या देते? अच्छा, और क्या चाहिए आपको? अरे बहुत महंगाई है, और क्या? समाजवादी सूरज भैया को। क्यों? क्योंकि उनका काम दिख रहा है। ये जो भाई लोग हैं, जो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, खासकर प्रतीक भैया, वो भी अगर सपा में आ जाए तो उनको सब वोट देंगे। ठीक है, हाँ बस। तो
किनका काम दिख रहा है अभी? तो सूरज सिंह जीते भी नहीं है, कभी सत्ता में भी नहीं है, तो कैसे काम दिख गया आपको? सूरज भैया अपने हिसाब से काम किए हैं, काम जीत तो सॉरी क्या नाम है प्रतीक भाई काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री में जो है योगी माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनका काम नहीं समझ में आ रहा है। उन्होंने सिर्फ बोर्ड लगाया है, 4000 क्या नाम है इन लोग को दिया है, बेरोजगार जी बेरोजगारी का सबसे बड़ा है बस। योगी जी का काम नहीं अच्छा है? नहीं अच्छा है। क्या 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 काम नहीं अच्छा है? तब से हर कोई परेशान ही है, हर कोई परेशान अच्छा है। योगी जब से आए हैं तब से हर कोई परेशान ही, किसी ना किसी तरीके से लोगों को परेशान ही कर रहे हैं। कर रहे हो जानबूझ के, जो लालच दे के 500 रुपए 1000 रुपए दे के उससे उसको घाटे में ही जाए जाए। हाँ क्यों ऐसा क्यों? 500 रुपए बता रहे हैं कि श्रम विभाग का कार्ड बना, वो भी आया बहुत लोगों ने कहा फ्री है, कुछ लोग आए 150 लेके उन्होंने बनाया, अभी तक किसके खाते में कार्ड बनाने का भी 150। हाँ कार्ड बनाने का भी 150 दिया गया यहाँ के लोगों ने दिया। मेरी बात आप बताइए, आपको जो 300 रुपए रोज कमाता है, आपने लालच दे दिया कि मैं श्रम कार्ड बना रहा हूँ, अब वो 350 श्रम कार्ड मिल जाएगा तो 50 रुपए यही पे श्रम कार्ड बनाने वाले आते हैं। लैपटॉप लेके बैठते थे, मैं खुद अपना खुद श्रम, मैं भी बनाया हूँ श्रम कार्ड, मैं इसलिए बनाऊँ कि जैसे आधार कार्ड उस टाइम में पहचान पत्र होता था, लेकिन इस टाइम अब क्या बताइए अपना निर्माण कर दें, कुछ निर्माण कर दे कि भैया लो अपना। रात में 12 बजे जागते हैं वो, अचानक से ही रात में 12 बजे ऐलान कर देते हैं मोदी जी, तो उनकी बातों का कोई भरोसा थोड़ी। वो आधार कार्ड बन गए कहते हैं श्रम कार्ड अब चलेगा तो क्या कर ले, बनवाना ही पड़ेगा तो बनवाया गया जी, इसलिए वो 500 का लालच नहीं, पहले पहचान पत्र तो था ना लोगों का, तो इसीलिए आधार कार्ड बनवाने को बोला, तो जितनी जनता थी आधार कार्ड बनवा लिया, अभी अचानक ये बोल दे कि श्रम कार्ड जरूरी है, तो इसलिए डर के वजह से इनकी सी हुकूमत सिर्फ डर के वजह से चलती है। ऐसा काम करो जो आपके प्यार से सीट छोड़े, भाईजान आइए या दद्दा आके बैठिए, डर से कोई सीट नहीं छोड़ा जाता है। आप हाल ही में मुख्यमंत्री जी आए थे, टामसन स्कूल में आए थे, आप ऐसा काम करिए, आप जहाँ मुख्यमंत्री जी जाते हैं वही विकास होता है। आप यहाँ पे अभी आ जाएं तो ये देखिए, इधर कैमरा दिखाई भैया, उधर दिखाई कचरा हो रहा है ना, उधर देखिए यहाँ पे कूड़ा देने वाला रोज आता है, लेकिन आप कूड़ा देने वाले कब आएगा? आदमी के घर में शाम में झाड़ू लगता है, आप सुबह आते हैं और कूड़ा घर में इकट्ठा रखना चाहिए? आप बताइए, वो क्या WHO कहती है कूड़ा घर में नहीं रखना चाहिए, कोई भी सरकार कोई भी डॉक्टर कहता है कूड़ा नहीं रखनी चाहिए। जी का कोई भी काम हमें समझ में नहीं आया, योगी जब से तब से मैं खुद साला बर्बाद ही हो रहा हूँ, बर्बाद ही हो रहा हूँ, जितनी भी कमाई दवाई सब साला खत्म। ऐसा क्यों? इतनी महंगाई 200 रुपए में कड़वा तेल कर दिया, मैं 200 रुपए कमाने वाला कहाँ से घर चला, इतनी महंगाई है हर चीज में महंगाई है, तो कहाँ से क्या किया जाए। एक बार इनको भी मौका देना चाहता हूँ, ये इनका भी देखना चाहता हूँ, इस बार साइकिल को ही जिताना है। साइकिल से क्या उम्मीदें हैं? साइकिल से उम्मीद कर रहे हैं कि शायद योगी जी की तरीके से ना निकले, उनको भी एक बार चेक किया गया था, उन्होंने तो हमारी आशाएं साड़ी सब जो है एनीथिंग सब खत्म कर दी, अब साइकिल से थोड़ी उम्मीद कर रहा हूँ। साइकिल अगर फिर आपकी उम्मीद पे खरी नहीं उतरती तब क्या होगा? नहीं उतरती है तब जैसे 10 साल काटे हैं वैसे ये भी 5 काटेंगे, फिर देखेंगे। कोई 5 साल काटा है आपने, 5 उससे पहले अखिलेश की थी। मैं भाई चाहे मुझे 1 करोड़ रुपए कोई दे या चाहे 10 लाख रुपए दे, मैं समाजवादी को मैं क्योंकि उससे सहमत हूँ, वो सही लायक है, वो गरीबों को पकड़ के चलती है ना कि हिंदू मुस्लिम में। यहाँ मेरे अपार्टमेंट में सब हिंदू मुसलमान भाई रहते हैं, ईद हो या बकरीद हो पूरे लॉकडाउन में या कॉलोनी है किसी ने भी राशन बांटा होगा? पूछो, एक दूसरे की मदद की है सब लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। उनके घर में मुसलमान के घर में खाना बनता था तो हिंदू खाता था, और उनके घर में बनता था। ये बीजेपी की सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है भाई मेरे। लग रहा है चुनाव बड़ा नजदीक है, कौन जीतेगा इस बार, योगी या अखिलेश? योगी जीतेंगे। हाँ, क्यों लग रहा है? अब योगी सब काम किए हैं हमारे लोग का, हम लोग का राशन दिया था महीने में 2 बार, और बहुत हमारे लोग का व्यवस्था किया है। और क्या किया है? पेंशन कितना पा रही है? पेंशन पा रहे हैं हम। कितना पा रहे? अब 500 रहा, सुन रहे हैं कि 1000 होने वाला है इलेक्शन बाद। अब इलेक्शन बाद हो जाए या पहले हो जाए होगा, लेकिन अगर ये 500 दे रहे हो, कोई सरकार आई कहेगी 1500 देंगे तब? नहीं, हम योगी को देंगे बस। कम मिले फिर भी? हाँ कम मिले। काहे योगी काहे पसंद है? नहीं, योगी हमको बहुत पसंद है, हमारे पिताजी है ना, इसलिए पसंद है। कौन पिताजी आपके? हमारे योगी मोदी दोनों पिताजी है। तो योगी जी ने तो शादियां नहीं की है, संत आदमी है, तो उससे क्या मतलब है, जिसको माने वही पिता है वो। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र तो इस समय 50 से ऊपर होगा, या 50 होगा 45 होगा। तो भाई से उनकी भी है, तो पिताजी कैसे? नहीं नहीं, वो पिताजी हैं मेरे, हम उनको मान लिए पिताजी। मान लिए? क्यों मान लिए? तो मान लिए, हमको अच्छा लग रहा है, मेरा खर्चा चला रहे हैं। और क्या खर्चा चला रहे हैं आपका? खर्चा चला रहे हैं, हमको पेंशन दे रहे हैं, तो उससे हमारा खर्चा। पेंशन मिलता है? अभी तो मुझे 500 मिलता है, लेकिन उम्मीद है। कितना परिवार में क्या लोग? 5 लोग हैं।
पांच लोग महीने का 500 रुपए आपका खर्चा चल रहा है? नहीं खर्चा और राशन नहीं दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं। एक पैकेट तेल एक लीटर पूरा महीना 5 लोग का चलता है? अरे 15 दिन चलता है तो महीने में दो बार, जैसे 2 महीने में 2 बार मिलता है तो उससे चल जाता है। 2 महीने में 2 बार मिलता है तो चल जाता है? चल जाता है। और क्या क्या मिल रहा है? और बहुत व्यवस्था है, काहे नहीं, अब हमको बहुत सारी व्यवस्थाएं मिली है। एक और नाम है मायावती, वो भी इलेक्शन लड़ी, उन पर क्या कहेंगे? अब मायावती लड़ी हो लेकिन हम जिसको मानते हैं बस मानते हैं, मायावती को नहीं नहीं मानते, हम किसी को नहीं मानते। वोट कभी दिया उनको? नहीं दिया। अब वोट तो मेरा अभी जल्दी से हुआ है लेकिन हम उनको दिए नहीं। नहीं दिया? नहीं दिए और देंगे भी नहीं। क्यों नहीं देंगे? अब हमको नहीं पसंद है, नहीं देंगे। तो आपको 500 रुपया मिला और आपने पिता मान लिया योगी जी को और वो खर्चा चला रहे हैं, जिस घर में आप रह रही हैं बिल्डिंग में, वो मायावती की देन है? मायावती तो दी है लेकिन अब हमको अब इस बार नहीं माने हैं। अरे इस बार नहीं मानिए, जिसने आपको जिंदगी भर का घर दे दिया वो आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जो 500 रुपया दे रहा है वो अच्छा है? नहीं अच्छा है लेकिन अब जिसको जो मान लिया वो वही अच्छा है। नहीं वो हमको कुछ नहीं लाभ हमें मिला, हमें नुकसान के अलावा हमें लाभ नहीं मिला, बस वही राशन दे रहे हैं। इतना महंगाई नहीं कर रहे हैं, कितना महंगाई, वही इंसान का वो महंगाई कर रहे हैं, वही वो कर दे बताओ, 200 रुपए किलो लीटर तेल है और गरीब में नहीं है, 200 रुपए डेली कमाते हैं तो क्या 200 रुपए किलो तेल खा पाएंगे? योगी जी को देंगे ना? ना भगाओ का के देगी। क्यों? चंडोला हवा। क्यों ऐसा क्यों? अरे छोड़ो, इतना महंगाई करे कि मन ही मरा जाते। वो तो मुख्यमंत्री है, उनको ऐसे बोलेंगे आप? अरे हो ही है अपने घर के मुख्यमंत्री, हमारे लोग क्या का करी नहीं, यहाँ दुकान पर ना बैठी तो हम लोग खाई ना। काम तो अपना करना ही है, काम थोड़ी वो आके करेंगे आपका? वो काम दे की बढ़िया, हम लोग कारखाना में रही। अच्छा। और रुपया मिले वो का करे 10-20 रुपया? वो तो घर बैठे 500 रुपया दे रहे हैं। ठेंगड़ा देते हैं वो हमारे लोग के लड़के देते हैं, अपने जेब से दे तो बताए बोले हम लोग। और महीने में 2 बार राशन भी दे रहे हैं। ठेंगड़ा देते हैं हमें, ना ही कुछ मिला ना ही कुछ नहीं। तो इस बार किसको वोट देंगी, योगी या अखिलेश? हम मायावती के देव है। ऐसा क्यों? उन्हीं के देव उन्हीं की बिकी है। अच्छा। और इन्हें दोनों जन का तो बिल्कुल ना दे भाई, आ जाए गली में तो मार के डंडा गिराई दी। तो मायावती किस चीज से खरीदी आपको? आप कह रही बिकी हुई मायावती से? तो उनसे मोहब्बत करी था हम लोग, हमें लोग का सड़के अच्छा दिए, घर दिए, रही थे सड़की पर रही थे। अच्छा। तब क्या वो छत दिया और ये खाना दे रहे हैं, आपको राशन दे रहे हैं, तो ये योगी भी तो बच गए? नहीं हमें मिला था, हम कैसे कह दी कि नहीं देते हैं, हमें एक बार राशन नहीं मिला है। तब तो कह रहे मैंने दो दो बार मिल रहा है। तो मिला तो ये का मिला था, हमें लोग का नहीं मिला है। अच्छा। अगर एक बार और योगी जी की सरकार आ जाती है तो कह रहे हैं हम बहुत बेहतर काम करेंगे, लोगों को और पैसा बढ़ा देंगे। वो कुछ ना करी कभी जिंदगी में, ना करी इसी ना करी, योगी और जोगी का करी नहीं हमारे लोग के लिए, इतना महंगाई करे है कि हम लोग भूखा मरी थे और क्या, परेशान इतना है, तबीयत इतना खराब है कि पैसा नहीं घर में की दवा ले आए। अजोगी मोगी का जानी, मोदी का जानी।